नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जिसको सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस बोला जाता है। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, साथ ही साथ इसके कारणों के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत ही आम तौर पे देखा होगा कि जैसे ही विंटर सीजन आती है या जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, वैसे ही आपको गले में खराश यानी कि सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। यह समस्या जो होती है यह काफी सारे कारणों से होती है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि फेरेंजाइटिस में होता क्या है। फेरेंजाइटिस में आपको गले में खराश महसूस हो सकती है, आपको इरिटेशन महसूस हो सकता है और यह जो सिम्टम है इसके साथ में आपको निगलते वक्त दर्द भी हो सकता है। खाना आप जब निगलते हैं तो पेनफुल भी हो सकता है और कई बार कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि निगलने में दर्द नहीं होता लेकिन फिर भी गले में खराश और इरिटेशन बना हुआ रहता है। इस समस्या के कई सारे कारण हैं, उनमें जो मुख्य कारण है वो है कॉमन फ्लू होना, यानी कोल्ड या फ्लू की वजह से ऐसा होना, या फिर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होना, या कई सारे केसेस में देखा गया है कि लंबे समय से अगर आपको यह समस्या बनी हुई है तो वो कहीं ना कहीं किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अक्यूट, यानी कि कुछ समय से मौसम परिवर्तन के साथ ही आपको इस प्रकार की समस्या पिछले एक या दो दिन से, तीन दिन से या पांच दिन से बनी हुई है, इसको अक्यूट में कंसिडर किया जाता है। क्रोनिक में उनको कंसीडर किया जाता है जो काफी लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं। तो क्रोनिक वाले टाइप में ऐसी या पेशेंट्स को या ऐसे मरीजों को रखा जाता है जिनको काफी महीनों से इस प्रकार की समस्या फेस कर रहे हैं। एक्यूट की अगर बात करें तो एक्यूट जो फेरेंजाइटिस या एक्यूट सोर थ्रोट जो होता है, इसके साथ में आपको और भी एसोसिएटिव सिम्टम्स जैसे कि कोल्ड होना यानी कि जुकाम होना, या हो सकता है कि आपको टॉन्सिलाइटिस यानी कि गले के अंदर में जो डिफेंस सिस्टम होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, इसमें भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस ज्यादातर उन केसेस में देखा गया है जहां पर पेशेंट को रेगुलरली बोलने का काम पड़ता है, यानी कि अगर पब्लिक स्पीकर है, टीचर है, या जिनको काफी लंबे समय तक बोलना पड़ता है, लेक्चर देना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको सोर थ्रोट या गले में इरिटेशन लंबे समय तक बना रह सकता है। या फिर ऐसे केसेस जहां पर एलर्जी की हिस्ट्री रही है या पेशेंट को एलर्जी रही है तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि सोर थ्रोट काफी लंबे महीनों से, काफी लंबे समय से बना हुआ रह रहा है। सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि सोर थ्रोट को ठीक करने के लिए आपको कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसको भी फॉलो करना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है कि आप अगर स्मोक करते हैं या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इसको अवॉइड करना है। आप अगर ठंडी और खट्टी चीजें, रेफ्रिजरेटेड फूड या फिर सिट्रस फ्रूट अगर खा रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करना है। आपको खूब सारा पानी पीना है। इस प्रकार के प्रिकॉशनरी मेजर्स को आप फॉलो करके सोर थ्रोट को जल्दी से ठीक कर सकते हैं, या इस प्रकार के मैनेजमेंट को फॉलो करके आप सोर थ्रोट से छुटकारा बहुत ही जल्दी पा सकते हैं। आगे बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सारी मेडिसिंस अवेलेबल है जो सोर थ्रोट में आपको मदद करती है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कॉमन मेडिसिन बता रहा हूँ। सबसे पहली जो दवा है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 का आपको दो बूंद सुबह और दो बूंद शाम को दिन में दो बार उपयोग में लाना है, और इस दवा का आपको उपयोग 3 से 4 दिन ही करना है जब तक कि आपकी यह प्रॉब्लम जो है चली नहीं जाए। साथ ही साथ बेलाडोना आपके टॉन्सिलर इन्फेक्शन को, टॉन्सिलाइटिस को, फेरेंजाइटिस को, दोनों को कवर करती है। दोस्तों, बेलाडोना मेडिसिन का जो रोल है वो एक्यूट कंडीशन में अच्छा होता है, यानी कि अगर आपको ताज़ा सोर थ्रोट हुआ है अभी कुछ दिनों से ही है तो आप इस कंडीशन में बेलाडोना का उपयोग कर सकते हैं। अगर क्रोनिक वाला पार्ट है यानी आपको काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की समस्या है
और आपको लंबे समय से बोलने की एक हैबिट है, आपको लंबे समय तक बोलना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अर्जेंटम मेटेलिकम 30 मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को उपयोग में लाना है, और इसको कम से कम आपको 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू लेना है। ऐसा करने से आपको इस प्रकार की क्रोनिक समस्या में भी आराम हो जाएगा। दोस्तों, एक कॉमन मेडिसिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिस मेडिसिन का उपयोग करके आप सोर थ्रोट को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं, बहुत ही जल्द इससे छुटकारा पा सकते हैं। इस दवा का नाम है इचिनेशिया क्यू। इचिनेशिया क्यू एक टिंक्चर फॉर्म में मेडिसिन है। इस दवा का आपको 40 ड्रॉप्स यानी कि करीब 40 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में ल्यूकवॉर्म वाटर में ऐड कर लेना है, मिला लेना है, और इस पानी से आपको गरारे करने हैं, गार्गल करना है, और गार्गल करने के बाद में इसको पी जाना है, आपको निगल लेना है। ऐसा आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना है। ऐसा करने से आपको सोर थ्रोट की कंडीशन में बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट आराम मिलेगा। हो सकता है कि आप शुरुआती 1 से 2 दिन में ही पूरी तरह से रिकवर कर जाए। यह बहुत ही फास्ट एक्टिंग रेमेडी है। साथ ही साथ इचिनेशिया जो है यह एक प्रकार की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के साथ आती है, तो उसकी वजह से आपके इस इन्फेक्शन को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी आप रिकवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिंस अवेलेबल है होम्योपैथी में, जो कि पर्टिकुलर डिजीज के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर सिम्टम के अकॉर्डिंग बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 से 3 मेडिसिन जो कॉमनली यूज आती है उनके बारे में आपसे जानकारी साझा करी है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रकार का सिम्टम आ रहा है तो आप नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करके और उस सिम्टम के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते। दोस्तों, यहाँ पर शेयर की गई फेरेंजाइटिस या सोर थ्रोट के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।